नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के ख़त्म होने वाले आईपीओ डेटा पैटर्न्स के आईपीओ के बारे में, जहां पे ये इशू जो था वो 14 से 16 दिसंबर के बीच खुलता हुआ दिखाई दे, तो आज यहां पे क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है। बम्पर रिस्पांस जो है वो यहां पे इस आईपीओ को मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पे ग्रे मार्केट में प्रीमियम चलती हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं इस स्टॉक की लिस्टिंग की जो चांसेस है ऑलमोस्ट डबल ओपन होने के हैं। यहाँ पे अगर हम आईपीओ प्राइस की बात करते हैं तो 585 रुपये का इसका आईपीओ प्राइस रखा गया है, ऑलमोस्ट 90% से डबल के आसपास अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी लिस्टिंग की जो है ग्रे मार्केट में प्रीमियम की उम्मीद जताई जा रही है। आईपीओ का जो साइज है 588 करोड़ का आसपास का है, 25 शेयरों का लॉट है। तो किस तरीके का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रहा है उसको अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे जो हिस्सा भरता हुआ दिखाई दिया है क्यूआईबी की तरफ से वो है ऑलमोस्ट 182 गुना। अभी भी लगभग 3:30 बजे के आसपास का समय है, तो 1.5 घंटे का समय और है 5 बजे तक का, तो यहाँ पे आपको ये हो सकता है 200 गुना से भी ज़्यादा भरता हुआ दिखाई दे। वही नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की तरफ से अगर हम बात करते हैं 242 गुना यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर का हिस्सा, एचएनआईस का हिस्सा जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। और रिटेल की तरफ से अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हिस्सा 22 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं रिटेल पार्टिसिपेशन भी बहुत जबरदस्त है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अलॉटमेंट के जो चांसेस है रिटेलर्स को वो कितने होंगे, तो दोस्तों यहाँ पे अलॉटमेंट के जो चांसेस है वो बहुत ही कम होंगे, यानी 22 में से एक ऐसा मोटा मोटी आप मान सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये देखना होगा कि कितनी जो बिड है वो प्राइस पे आई है और कितनी जो बिड है वो यहाँ कट ऑफ प्राइस पे आ रही है। तो यहाँ पे जो भी नीचे के प्राइस पे बिड लगी होंगी, अगर कट ऑफ प्राइस पे सारे लोगों ने लगाए होंगे मैक्सिमम ने, तो नीचे की बिड कैंसिल हो जाएगी और सिर्फ कट ऑफ प्राइस पे ही आपको यहाँ पे स्टॉक मिलेगा, तो बहुत से लोग वहाँ पे कटते हुए दिखाई देंगे। टोटल जो सब्सक्रिप्शन अभी आता हुआ दिख रहा है 114 टाइम से इस इशू भरा है, तो शाम तक ये हो सकता है नंबर आपको और थोड़े बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये अभी तक का जो अपडेट है वो होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एनएससी में जाके देखते हैं कि कितने कितने शेयर जो थे यहाँ पे रखे गए थे, तो यहाँ पे क्यूआईबी का हिस्सा जो है ऑलमोस्ट 86 टाइम अभी भरता हुआ दिख रहा है एनएससी में, जहाँ पे लगभग 19,58,000 शेयर जो थे इनको ऑफर किए गए, तो यहाँ पे लगभग लगभग यहाँ पे कई गुना इन लोगों 16,87,00,000 शेयरों की जो बोलियां है वो यहाँ प्राप्त होती हुई दिखाई दी है। वही अगर हम बात करते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से तो 15,43,000 शेयरों का यहाँ पे ऑफर रखा गया था और लगभग 8,55,00,000 शेयरों से ऊपर के ज़्यादा जो है यहाँ पे बिड आती हुई दिख रही है। 55 गुना से ज़्यादा जो है यहाँ पे इनका ये सब्सक्रिप्शन भरता हुआ दिख रहा है। और रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 35,96,000 शेयर, यानी कि टोटल आईपीओ साइज का 35% जो था वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे ऑलमोस्ट रिजर्व रखा गया था, जिसमें लगभग 3,90,00,000 शेयरों की जो बिड है वो यहाँ पे आती हुई दिख रही है। ऑलमोस्ट 10-11 गुना ये जो है एनएससी पे सब्सक्रिप्शन भरता हुआ दिख रहा है, जिसमें से कट ऑफ में अगर आप देखेंगे 2,96,00,000 शेयरों के लिए बिड आती हुई दिखाई दी। और प्राइस पे अगर हम बात करते हैं बिड जो नीचे की है वो यहाँ पे 94,76,000 शेयरों की आती दिख रही है, तो 35 लाख शेयरों के सामने अगर 2,96,00,000 अगर कट ऑफ में आ रहे हैं तो ये 94 लाख ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको हटते हुए दिखाई देंगे, यानी इसका कोई मतलब फिलहाल होगा नहीं। और वहीं अगर हम बात करते हैं बीएससी की साइट पर जाके कि किस तरीके से रिस्पॉन्स आता हुआ दिख रहा है, तो बीएससी की साइट में क्यूआईबी का हिस्सा ऑलमोस्ट 100 गुना से ज़्यादा भरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर नॉन इंस्टीट्यूशनल से की अगर हम बात करते हैं तो 188 टाइम्स भरता हुआ दिखाई दे रहा है। और रिटेल इन्वेस्टर्स की भी अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो रिटेल हिस्सा भी जो है ऑलमोस्ट 11 से 12 गुना भरता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे भी कट ऑफ बिड की बात करें तो 3,17,00,000 शेयर जो है कट ऑफ में लगे हैं और 93 लाख शेयर जो है वो यहाँ पे आपको प्राइस बिड पे आते हुए दिख रहे हैं, कि ये भी यहाँ पे आपको हटते हुए दिखाई देंगे। तो मोटा मोटी फिर भी यहाँ पे जो 22-23 गुना जो रिटेल सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, तो अगर इसको कुछ एडजस्ट भी कर ले तो 16 से 17 गुना जो है वो कट ऑफ बिड पे लगते हुए दिखाई दे, तो वहां पे अब कितने चांसेस होंगे अलॉटमेंट के वो यहाँ देखना होगा। जिसको भी अच्छी किस्मत होगी मिलेगी तो लिस्टिंग में उसको कितना बेहतरीन मुनाफा हो सकता है वो फिर देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन नंबर दिखाई दे रहे हैं इसकी लिस्टिंग जो है वो बम्पर होने की उम्मीद लग रही है, तो अब लिस्टिंग के दिन यहाँ पे किस तरीके की लिस्टिंग आएगी वो देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल करें सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।